सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव चरम पर है और सभी पार्टियों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के मद्देनजर 26 सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। आइए आपको प्राइम टीवी के ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि तीसरे चरण में 16 जिलों में होने वाले मतदान में कौन कौन से सियासी दिग्गज मैदान में हैं। अखिलेश यादव करहल विधानसभा से, तीसरे चरण के चुनावी मैदान में एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा से, शिवपाल यादव जसवंत नगर से, विवेक शाक्य जसवंत नगर से, सतीश महाना महाराजपुर से, फतेह बहादुर सिंह महाराजपुर से, सलील विश्नोई सीसामऊ से, हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ से, रामवीर उपाध्याय, प्रदीप चौधरी गट्टू, लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद से, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद से, अशीम अरुण कन्नौज से, अनिल कुमार कन्नौज से, अजय कपूर किदवई नगर से, महेश त्रिवेदी किदवई नगर से, रघुनंदन सिंह कानपुर कैंट से, मोहम्मद हसन रूमी कानपुर से, हरिओम यादव सिरसागंज से, विनीत शाक्य मैनपुरी से, अर्चना पांडे छिबरामऊ से, नीलिमा कटियार कल्याणपुर से, करिश्मा ठाकुर गोविंद नगर से, राकेश गोस्वामी महोबा से, ब्रजभूषण राजपूत चरखारी से, कमलेश कुमार श्रीवास्तव राठ से, प्राइम एक्सप्रेस के तीसरे चरण के चुनाव में अखिलेश यादव करहल विधानसभा से, एसपी सिंह बघेल करहल विधानसभा से, शिवपाल यादव जसवंत नगर से, विवेक शाक्य जसवंत नगर से, सतीश महाना महाराजपुर से, फतेह बहादुर सिंह महाराजपुर से, सलीस विश्नोई सीसामऊ से, हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ से, रामवीर उपाध्याय सादाबाद से, प्रदीप चौधरी गुड्डू सादाबाद से, लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद से, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद से, अशीम अरुण कन्नौज से, अनिल कुमार कन्नौज से, अजय कपूर किदवई नगर से, महेश त्रिवेदी किदवई नगर से, रघुनंदन सिंह भदौरिया कानपुर कैंट से, मोहम्मद हसन रूमी कानपुर कैंट से, हरिओम यादव सिरसागंज से, विनीत शाक्य मैनपुरी से, अर्चना पांडे छिबरामऊ से, नीलिमा कटियार कल्याणपुर से, करिश्मा ठाकुर गोविंद नगर से, राकेश गोस्वामी महोबा से, ब्रजभूषण राजपूत चरखारी से, कमलेश कुमार श्रीवास्तव राठ से,
तीसरे चरण की विधानसभा चुनाव से ये सभी दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।